किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर का सबसे छोटा बेटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ मनोहर राणा की। मेरा नाम है विवेक राय। आपको बता दूँ, मनोहर राणा की हालत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और उनको फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संजय गांधी अस्पताल यानी कि SGPGI हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। आपको बता दूँ कि मनोहर राणा को काफ़ी लंबे समय से CKD बीमारी से वो पीड़ित हैं। CKD का फुल फॉर्म की बात की जाए तो यानी क्रोनिक किडनी डिजीज से वो पीड़ित हैं और उनका इस कारण से हफ्ते में 3 बार डायलिसिस भी कराई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों वो अपनी डायलिसिस के लिए ही राजधानी लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल गए थे, जहां पर उनका जो डायलिसिस है वो हो रहा था। डायलिसिस के बाद उनके परिजनों के मुताबिक उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके चेकअप्स किए और इस दौरान चेकअप में निकला कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर ने भी बताया कि उनको इस कारण निमोनिया भी हो गया है और इसके बाद सांस लेने में दिक्कतों के कारण उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। हालांकि वेंटिलेटर उसके थोड़ी ही समय बाद वेंटिलेटर हटा लिया गया है, पर फिर मेदांता से उनको PGI शिफ्ट कराया गया। फिलहाल वो PGI में एडमिट हैं, लेकिन समय समय पर ऑक्सीजन का सपोर्ट उनको डॉक्टरों को देना पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है और कई बार SpO2 85 तक 85-86 तक आ जा रहा है, जिस कारण उनको अलग अलग समय पर ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मनोहर राणा मशहूर शायर हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड वो जीत चुके हैं, माटी रत्न अवार्ड वो जीत चुके हैं और अपने तमाम शायरियों से वो लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में चहेते। हालांकि पिछले दिनों कंट्रोवर्सी से भी भरा उनका जीवन रहा। कुछ ऐसे उनके बयान थे जो जिन्होंने कंट्रोवर्सी भी पैदा की, पर फिलहाल उनके जो तमाम प्रशंसक हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मनोहर राणा स्वस्थ हों।